रही, मेरी लड़की यहीं पढ़ती है, हिंदी मेरे को आती नहीं है, मारवाड़ी बोलता हूँ। तो यहाँ जब एडमिशन मैंने करवाया था तो पहले तो यही सुनते थे कि मिर्ता कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं है, यही सुनते थे। और मेरे मोहल्ले के भी काशा लड़के पढ़ते थे तो वो यही बताते थे कुछ नहीं है, जाओ टाइम पास करो और आ जाओ। फिर भी मैंने सोचा कि पढ़ा के देखे तो सही, कोई चीज़ करके देखे तो पता चलेगा कि आगे क्या होता है। तो मैंने इसका एडमिशन कराया, तो कराने के बाद मैं तो सऊदी अरब रहता हूँ, यहाँ रहता भी नहीं हूँ। तो फिर धीरे 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 मैं वहाँ भी छुट्टियाँ, एक साल हो गया मेरे को, तो बच्चे ने मेरे को खुद बताया कि पापा इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, मेरा दिल खुश है और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि अगर तेरा दिल चाहता है कि भाई मिर्ज़ा कॉलेज में अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, पर तेरा भी नाम रोशन होगा, हमारा भी रोशन होगा और कॉलेज के अध्यापकों का भी होगा, जो भी है उन सब का होगा। तो उसने कहा कि नहीं अच्छी पढ़ाई। अभी चार दिन पहले की बात है, मैंने चार लड़के देखे, मेरे मोहल्ले के हैं और यहीं पढ़ते हैं, मैं नाम तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम पढ़ाई कर रहे हो या नहीं। कुछ नहीं है, क्योंकि उनको खुद के दिमाग में ही नहीं है, पढ़ना चाहते ही नहीं है तो कुछ क्या है। बोला कुछ नहीं है, टाइम पास करते हैं और आ जाते हैं। मैंने बोला यार वो तो बाकी तो पढ़ते हैं ना। बोले नहीं नहीं हमारे वाले अध्यापक नहीं है, उनके उनके ही हैं। तो मैंने बोला कि तुम्हारे कोई अलग थोड़ी है। बोला नहीं बस हम तो जाते हैं, टाइम पास करते हैं और आ जाते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है। फिर दूसरे लड़के से पूछा, वो एक होटल में बैठा था, मैंने पूछा भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, कौन सी स्कूल पढ़ रहे हो? बोले मिर्ज़ा में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कैसी चल रही है? बस यही है, टाइम पास करके आ रहे हैं। मैं बोला मेरी बच्ची वहीं पढ़ रही है, वो तो कभी इस जबान से नहीं निकाला कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ ना मुझे पढ़ा रहे हैं, सब अटेंड कर रहे हैं। बोलता है नहीं नहीं वो आपकी बच्ची पता नहीं इतना। मैं बोला भाई आपको ज़्यादा पता है, उसको पता नहीं है तो आपको पता ज़्यादा है। फिर उसके बाद तीसरे लड़के को मैंने पूछा भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? वही बात है, एक ही डटी हुई है उन सबको कि पढ़ाई नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ना है ही नहीं, वो इस चीज़ अगर नहीं तो करेगा क्या? मैं हूँ अगर काम नहीं करूँगा, मैं वहाँ पे जाके बैठ जाऊँगा, बोलूँगा भाई मेरे को तो काम ही नहीं है, जब करना ही नहीं है तो काम है कहाँ? क्लास में नहीं बैठेंगे, क्लास में ही नहीं बैठेंगे तो आएंगे कहाँ? वो बाहर घूमते हैं फिरते हैं, मैंने देखा भी उन लड़कों को, बाद में मैंने चार पाँच दिन पर नज़र भी रखी, बाहर घूमते हैं आराम से घूम के मूड आ जाते हैं और गाड़ियों का टाइम पास करते हैं। फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं। फिर मैंने बच्ची को पूछा कि भाई वो चार लड़के तो ये बता रहे हैं, तू बता रही अच्छी पढ़ाई है? बोला नहीं नहीं पापा मैं अपने दिल से कह रही हूँ। मैंने कहा मैं तेरी मानता हूँ। फिर मैं पिछली मीटिंग में भी आया था तो मैंने बहुत अच्छी यहाँ के जो मीटिंग थी बहुत अच्छी गुजरी और बहुत बढ़िया, मैंने मिर्ज़ा साहब जी ने, जाकिर साहब जी ने बताया कुछ ऐसी सुविधाएँ हुई है तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो पढ़ते हैं उनके लिए अच्छी है, जो नहीं पढ़ते उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो वही बात है कि बाहर जाएंगे तो वही कहेंगे कि भाई मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, वहाँ तो आते ही नहीं अध्यापक, अब खुद नहीं आते तो देखा ही नहीं तो कहाँ से बताएगा कि अध्यापक आए हैं। तो इसलिए मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ और जितने भी छात्र दोस्त हैं पढ़ें मन लगा के और माँ बाप का नाम रोशन होगा, आपका भी होगा, और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप हमेशा बढ़ते रहें। खुदा हाफिज़।